भारतीय रेलवे की डबल डेकर ट्रेनें दो मंजिला एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जिनमें यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। यह ट्विन डेक ट्रेनें पारंपरिक डिब्बों की तुलना में अधिक विशाल हैं, इसलिए वे अधिक यात्रियों और सामान को ले जा सकते हैं। नई डबल डेकर ट्रेनें LHB कोच कपूरथला कोच फैक्ट्री में स्टेनलेस स्टील से बनी। भारत में रेल यात्रा सबसे आकर्षक और रोमांचकारी अनुभव है। रेलवे आमतौर पर देश की परिवहन जीवन रेखा के रूप में लोकप्रिय है। यह ट्रेन दिल्ली सराय रोला से पिंक सिटी जयपुर के बीच चलती है। जयपुर रेलवे के सबसे अधिक लोकप्रिय स्टेशनों में से एक है। जयपुर भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से भी एक है, जो दुनिया भर में के लोगों को आकर्षित करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली आते हैं वे जयपुर का शाही दौरा किए बिना वापस नहीं जा सकते। भारतीय रेलवे बजट अनुकूल दिल्ली सराय रोला जयपुर AC डबल डेकर ट्रेन चलाता है, जो यात्रियों को दिल्ली वापस लाती भी है। यह ट्रेन 303 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसके लिए इसे 4 घंटे 30 मिनट का समय लेती है। ट्रेन का नंबर 12966 जो कि दिल्ली सराय रोला से चलती है और जयपुर के लिए जाती है। यहाँ से ये ट्रेन 5:35 पे निकलती है, 304 किलोमीटर की दूरी तय करके 4 घंटे 30 मिनट का समय लगाते हुए यह तकरीबन 10:30 के बीच जयपुर पहुँच जाती है। क्योंकि रेलवे परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, इसलिए कभी कभी आपको टिकट बुकिंग काउंटरों और वेबसाइटों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। रेलवे यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट मार्गों पर डबल डेकर ट्रेनों की सुविधा शुरू की है। इस समय इंडिया में तकरीबन 10 रूटों पर डबल डेकर ट्रेनें चल रही हैं। दोस्तों, इस ट्रेन के अंदर बैठने का एक अपना अलग ही अनुभव है। इसके अंदर यात्रियों को विशेष प्रकार से सुविधाएं दी जाती हैं। आप इसके अंदर ऑन बोर्ड खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें चाइनीज वेज नॉन वेज हर तरह का खाना आपको ऑर्डर के हिसाब से मिलेगा। ट्रेन के अंदर AC के ट्रेन होने के कारण बिल्कुल कूल वातावरण रहता है। इसमें किसी तरह की आपको स्टेशनों की डिस्टर्बेंस का सामना भी नहीं करना पड़ता। परंतु इसमें बैठने वाले यात्रियों को ऐसा अनुभव होता है कि इसमें दूसरी ट्रेन की अपेक्षा कुछ जगह की कमी है। यात्रियों को सामान रखने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये जो यात्री यात्रा कर रहे हैं वो अपने पर्सनल अनुभव से बताते हैं कि इसमें हम कंफर्टेबल वो नहीं फील कर पाते हैं जो कि हम दूसरी AC चेयर ट्रेनों के अंदर कर पाते हैं। वैसे ट्रेन ये बहुत सुविधाजनक है, बहुत ज़्यादा यात्रियों को ले जाती है। इस रूट का बहुत सा रश लेकर चलती है ट्रेन और यात्रियों को परेशानी ना हो, रेलवे समय समय पर इसके अंदर बहुत से सुधार करता जा रहा है। यात्रियों को सुविधा को देखते हुए आपको ट्रेन के अंदर हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके जो टॉयलेट्स हैं वो बायो टॉयलेट्स हैं, इसमें पानी की कमी नहीं रहती है। आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है यात्रियों के लिए और ये ट्रेन बिल्कुल निर्धारित समय पर चलती है और निर्धारित समय पर ही पहुँचती है। इसके बहुत कम चांस होते हैं कि ये ट्रेन आपको डिस्टर्ब करे और लेट हो ये ट्रेन। दोस्तों, इस ट्रेन के अंदर बैठने वाले यात्री बहुत प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देते हैं, पर कुछ यात्रियों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा लगेज लेके चलते हैं। इसमें मिनिमम लगेज के साथ आप सफ़र करें तो आपका सफ़र भी आनंददायक में बना रहेगा। रेलवे का यात्रियों को सुविधा देने का बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें यात्री अपने कम्फर्ट के साथ सफ़र कर सकते हैं। इस ट्रेन का किराया भी नॉर्मल रखा गया है। इवन शताब्दी और जन शताब्दी, इवन आप राजधानी की बात करें उनके मुकाबले इसका किराया बहुत कम है। AC ट्रेन का आनंद उठाइए, डबल डेकर ट्रेन में बैठिए और सफ़र कीजिए। आसानी से इसकी तत्काल बुकिंग भी अवेलेबल है। दोस्तों, इसका सफ़र का आनंद उठाइए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।